बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ऑफ -2.05 एंड 0.86 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। 1, 2, 3, तीन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब तीनों के लिए सेपरेट म्यू वेरियंस वगैरह दिया गया है। तीन हैं और तीनों के लिए हमने क्या फाइंड करना है, तीनों के लिए हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और हमें जेड की वैल्यू दो दी गई है, एक ये और एक ये। इसके लिए भी ये तीनों करने हैं और इसके लिए भी ये तीनों करने हैं पार्ट्स। तो अभी आपके सामने करते हैं जी। 5 का ए पार्ट है, इसमें गिवन क्या है, गिवन दैट हमें क्या पूछा गया है, एक्स पूछा गया है और जेड की दो वैल्यूज दी गई हैं, -2.05 एंड 0.86। अब पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में एक्स फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पढ़ने का तरीका होता है एक्स फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड वेरियंस 62.3 एंड 38। ये वेरियंस की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर, वी नो दैट, हमें पता है जेड का क्या फार्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो अब जेड की जगह पे आप पहली जेड की वैल्यू जो हमें दी गई है वो पुट करें और म्यू की जगह पे 62.3 और सिग्मा की जगह पे अंडर रूट 38। अब यहाँ पे अंडर रूट क्यों लिया गया, क्योंकि हमें यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी तो हमें तो यहाँ पे फार्मूले में सिग्मा की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट 38 लिख लें। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अंडर रूट 38 को उधर भेज के मल्टीप्लाई करवाएं तो वो ये बन जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में माइनस यहाँ पे 62.3 था, इधर आके हो जाएगा प्लस। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करें, दिस वन माइनस दिस वन 49.66। नेक्स्ट है जी, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सो 0.86 इज इक्वल टू एक्स माइनस 62.3 ओवर अंडर रूट 38। अब यहाँ पे जेड की दूसरी वैल्यू पुट की है, अंडर 38 को उधर मल्टीप्लाई करवा लें और फिर बाद में 62.3 इधर भेज के प्लस करवा लें, तो ये एक्स का हमारा आंसर आ जाएगा 67.60। नेक्स्ट आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट में देखें क्या गिवन है, एक्स फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, बस म्यू और सिग्मा स्क्वायर जस्ट लिखा हुआ है जनरल, वी नो दैट। अब हमें पता है कि जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है, ये फार्मूला हमें पता है। अब जेड की जगह बारी बारी एक वैल्यू जेड की रखनी है और दूसरी वैल्यू, दो वैल्यूज दी गई थी ना, दोनों वैल्यूज रखनी है। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, सिग्मा इधर डिवाइड में है, इधर भेज के मल्टीप्लाई करवा लें, इधर म्यू माइनस है, इधर भेज के प्लस करवा लें, नहीं एक्स माइनस म्यू इधर लिखा हुआ था, इसको इधर लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है अननोन चीज़ इस साइड पे होती है, राइट लेफ्ट साइड पे होती है। एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू ये एज इट इज़ इधर लिख लेंगे, एज इट इज़ इधर लिख लें, उसके बाद ये माइनस म्यू है इधर, इधर भेज के इसको प्लस म्यू करवा लें, तो ये आंसर आ गया, जनरल आंसर है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी म्यू सिग्मा की, इसलिए आंसर भी जनरल है। सेम पैटर्न पे ये है, इसमें सिग्मा इधर डिवाइड है, इधर भेज के मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें और इधर माइनस म्यू इधर भेज के प्लस म्यू करवा लें। थर्ड पार्ट पे आते हैं जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक्स फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए बी। अब ये ए क्या है, ए म्यू है और बी क्या है, बी सिग्मा स्क्वायर है, यानी कि ये वेरियंस की जगह होती है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। वी नो दैट हमें पता है जेड का फार्मूला क्या है, रिलेशन का, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसमें म्यू की जगह पे ए लिख लें, सिग्मा की जगह पे अंडर रूट बी लिख लें, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की है, ये वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की है, समझें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बी है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट बी यकीनन, तो सिग्मा की जगह पे अंडर रूट बी लिख लें। उसके बाद आपने दो जेड की वैल्यूज, एक ये और एक ये, दोनों के लिए सॉल्व करना है, दरमियान में लाइन लगा लें, अंडर रूट बी इधर डिवाइड है, इधर भेज के मल्टीप्लाई करवाएं और माइनस ए इधर प्लस है, इधर भेज के उसको प्लस ए करवा लें, प्लस ए और ये -2.05, यानी कि ये पूरा का पूरा अननोन चीज़ इधर लिखती थी और ये इधर लिखती थी, फिर इसमें से माइनस ए को उठा के इधर ले गए थे, तो ये आंसर आ गया और यहाँ से ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी आ जाएं इसके बी पार्ट पे, बी पार्ट में पढ़ती हूँ बुक पे, 5 का बी पार्ट है। इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
such that probability of x less than a is equal to 0.95. अब खुद ही स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, ये स्टेटमेंट बनानी ही मुश्किल होती है, अगर बनी बनाई दे दें तो कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें इसमें a के, अब a पॉइंट पूछा गया है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा बता देती हूँ, पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट जो लिखी होती है ना उसमें ये जगह जो है, ये जगह पॉइंट की होती है और इस तरफ एरिया होता है, ये प्रोबेबिलिटी भी इसको कहते हैं। डायग्राम के मुताबिक एरिया इसको कहते हैं जो इसके अंदर हो कर्व के, और ये जो लाइन है ना नीचे, लाइन लाइन के ऊपर पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट लाइन के ऊपर होता है और जो ये एरिया है वो इधर अंदर होता है। अब अगर तो ये एरिया पूछा जाए, एरिया या प्रोबेबिलिटी, तो टेबल नंबर 9 हम यूज़ करते हैं। अगर ये जगह अननोन हो, ये जगह पूछी गई हो, पॉइंट पूछा गया हो, तो हम टेबल नंबर 10 यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें फाई इनवर्स होगा। ये बातें पहले भी 10.1 में भी डिस्कस हो चुकी हैं, अभी फिर से डिस्कस हो रही हैं क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है जी। एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 164, ए की वैल्यू क्या है ये फाइंड करनी है हमने, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 0.95। 95% है ना, 95% को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है कि 0.95 लिख लें। नेक्स्ट इसमें ए, इसको जेड बनाएं, पहला स्टेप ही ये होता है। 10.2 में आपको पता है कि एक्स को हमने जेड बनाना है। एक्स को जेड कैसे बनाएंगे, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा, म्यू की जगह वैल्यू म्यू की पुट कर लेंगे 100, सिग्मा की जगह 8, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 100 है म्यू की वैल्यू और ये 64 है वैल्यू किसकी, सिग्मा स्क्वायर की, ये वेरियंस की जगह ना सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा फिर क्या होगा 8, यकीनन अंडर रूट 64 दैट इज इक्वल टू 8 लिख लिया। अब इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, लेस है ना, लेस पे आपको पता है फाई ऑफ ए का फार्मूला अप्लाई होता है, फाई ऑफ ए यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है फाई ऑफ लिख लें, फाई ऑफ दिस वन, ठीक हो गया 0.95। अब फाई को हम इससे टेबल देखना हो तो टेबल नंबर 9 में देखते हैं, लेकिन ये अननोन वैल्यू है, हम इसको टेबल में देख नहीं सकते, इसलिए फाई को इधर भेज के इन्वर्स करवाएं और इसको टेबल नंबर 10 में देखें। टेबल नंबर 10 में देखा तो 1.645 आ गया, डिवाइड में 8 है, इधर भेज के उसको मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस 100 है, इधर भेज के उसको प्लस 100 कर लें, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन प्लस 100। अब याद रखें कोई भी फंक्शन हो जिसमें मल्टीप्लाई और प्लस इकट्ठा है तो पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस हमेशा एंड पे करना है, मल्टीप्लाई करें प्लस 100 करें, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, एक आंसर आ जाएगा। सी पार्ट पे आ जाएं, सी पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 60 and 25, और हमें पूछा गया है स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 0.837। अब इसको z बनाएं, पहले नंबर पे पहला स्टेप होता ही ये है कि इसको z बनाना, a माइनस म्यू और सिग्मा, म्यू की वैल्यू 60 और सिग्मा की वैल्यू यकीनन 5, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है इस जगह पे, तो अंडर रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5, सिग्मा की वैल्यू 5 होगी। नेक्स्ट चूँकि ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए क्या यूज़ होता है फार्मूला, ग्रेटर के लिए फाई ऑफ माइनस ए यूज़ होता है, ऐसा ही ना, फाई ऑफ माइनस दिस वन, तो जब फाई ऑफ माइनस ये यहाँ पे लगा तो माइनस फिर अंदर भी गया होगा इस फंक्शन के, इधर माइनस लगा है तो इधर माइनस और इस माइनस को उसने कर दिया प्लस। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ग्रेटर की वजह से फाई ऑफ माइनस ए लगना था, यानी कि माइनस दिस वन, ठीक है, फार्मूला ये होता है ना, फाई ऑफ माइनस ए ये फार्मूला होता है, ठीक है जी, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले की वजह से माइनस ए मतलब माइनस दिस वन, तो ये जब यहाँ पे लिखा तो माइनस फिर अंदर अप्लाई हुआ, इसके साथ भी अप्लाई हुआ और इसके साथ भी अप्लाई हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 0.837। अब इधर फाई को हम इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए फाई को इधर भेज के इन्वर्स करवाएं, ठीक है, फाई इन्वर्स हो गया, इसको टेबल नंबर 10 में देखना है। टेबल नंबर 10 में मैं आपके सामने देखती हूँ, 0.83 को 7 में देखना है जी, ये टेबल नंबर है 10, पेज नंबर 297 पे आ जाएं, 0.83 को 7 में देखना है, ये 0.83 को 7 में चल के देखना है, ये 0.9822, उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया
और इधर प्लस 60 है, इधर बैठे उसको माइनस 60 करवाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 60 करें तो ये आंसर आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट होके ये आंसर 55.09। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई इसमें इशू नहीं रहा। नेक्स्ट आप आ जाएं 6 के ए पार्ट पे। क्या पूछा गया है? इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू की वैल्यू 30 गिवन है, सिग्मा की वैल्यू 5 गिवन है, फाइंड करना है अ पॉइंट दैट हैज 15% एरिया बिलो इट। एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसके नीचे बिलो उसका एरिया कितना है 15%। तो पॉइंट फाइंड करना है और एरिया गिवन है जी ये, फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 15% एरिया बिलो इट। तो पहले इसके स्टेटमेंट ज़रा बनवाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये तो लिखना ही लिखना है, बिलो की वजह से लेस का साइन, ए पॉइंट पूछा गया है तो यानी कि ये जगह पूछी गई है, एरिया गिवन है यानी कि इज इक्वल टू ये जगह गिवन है 15%। और डायग्राम के मुताबिक अगर मैं बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनेगी, ये मैंने कर्व शेप बनाया। अब मैंने ए पॉइंट, पॉइंट आपको पता ना इस लाइन के ऊपर होता है, किस जगह पे मैं ए लिखूं, मैंने इधर ही क्यों लिखा, क्योंकि लिखा हुआ है कि इस ए पॉइंट से नीचे जो एरिया है ना यानी कि वो 15 है, तो 15 तो बहुत थोड़ा है। इधर आपको पता है सेंटर, सेंटर में 50 होता है, तो मैंने इधर लिख दिया यानी कि इससे पीछे का एरिया 15% है, तो ये पॉइंट हमने चाहिए। वैसे डायग्राम की हमें क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत समझाने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये बताया है। उसके बाद आपने 15% परसेंटेज ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, डिवाइड बाई 100 कर दें, 0.15 हो गया। एक्स को जेड बनाएं, कैसे बनाना है, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करके, म्यू की जगह 30 पुट करें, सिग्मा की जगह 5 पुट करें, और अब इसको सॉल्व करना है फाई ऑफ दिस वन, फाई ऑफ ए फार्मूला होता है ना, फाई ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 0.15। अब फाई इधर है, इधर भेज के उसको इन्वर्स करवाएं, फाई इन्वर्स ऑफ 0.15। इसको देखें आप टेबल नंबर 10 में, मैं आपके सामने चेक करती हूँ, बार बार इसलिए देख रही हूँ ताकि आपको देखने का तरीका आए। 10 फाइन वर्स है ना, वो हमेशा टेबल नंबर 10 में देखते हैं, 0.15 को 0 में, क्योंकि टेबल नंबर 10 में पॉइंट के बाद तीन डिजिट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे 0 एक लगा लें, 0.15 को 0 में देखें जी, ये वाला 0.15 को 0 में देखें, ये 0 के कॉलम है ना, -1.0364 जी, ये आपके सामने आ गया, ये -1.0364। अब यहाँ पे जो है इनको बारी बारी इधर भेजते हैं, पहले डिवाइड में जो 5 है उसको भेज के मल्टीप्लाई करवाएं, और फिर बाद में इधर माइनस है तो इधर भेज के इसको प्लस 30 करवा लें। इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, और फिर जो आंसर आएगा उसमें 30 प्लस करना है, तो ये आंसर आ जाएगा ए का 24.8। सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड अ पॉइंट दैट हैज़ 28% एरिया अबव इट। अब इसकी मुझे स्टेटमेंट बनवाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अबव की वजह से ग्रेटर का साइन लगा है, ए क्योंकि पॉइंट पूछा गया, इज इक्वल टू 28%। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, यानी कि यहाँ पे मैंने ए क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इससे ऊपर वो कह रहे हैं पॉइंट से ऊपर 28%। अब मैं अगर इधर पॉइंट ले लेती, इससे ऊपर तो बहुत ज़्यादा एरिया आ जाना था, ये तो तकरीबन 90 एरिया आ जाना था इससे ऊपर, तो मैंने इस जगह पर लिया कि इससे ऊपर एरिया 28% यानी कि 50 दरमियान में, तो उसके मुताबिक फिर ये बन गया हमारे पास। ये डायग्राम बस समझाने के लिए थी। फिर परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दें, 0.28। एक्स को जेड में कन्वर्ट करने के लिए माइनस में डिवाइड बाई सिग्मा करें, ये आपने करना है, सेम क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ, आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट पे आ जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। आपको पता है जब दो पॉइंट्स पूछे गए हों तो उसका तरीका मैंने 10.1 में आपको बड़ा खास बताया था, तो यहाँ पे एक बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। फाइंड टू पॉइंट्स, अब देखें इसमें दो पॉइंट्स पूछे गए हैं, पिछले दोनों पार्ट्स में एक एक पॉइंट, एक में लेस बिलो वाला और एक में ग्रेटर वाला पॉइंट पूछे गया, इसमें दो पॉइंट्स पूछे गए हैं जिनके दरमियान का एरिया 95% है, तो डायग्राम यकीनन इस तरह के बनेगी, दरमियान का एरिया 95%, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ये हमें दी गई है स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी इज इक्वल्स टू 0.95%, वी नो दैट। अब मैंने आपको बताया था ना कि इस किस्म का क्वेश्चन जब इसमें दो पॉइंट्स पूछे गए हैं तो आपने इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, ये स्टेटमेंट को याद कर लें, आपने इससे स्टार्ट करना है। ये स्टेटमेंट बनी कैसे है, तीन हिस्सों में डायग्राम हमें स्प्लिट होती है, इस ए से पीछे, ए बी के दरमियान में और बी से आगे। ए से पीछे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, प्लस
ये सेंटर वाली क्या है, प्रॉबर्टी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, बी से आगे क्या है प्लस प्रॉबर्टी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स मिला के किसके बराबर एरिया बनता है, वन के बराबर, ठीक है, इन तीनों की प्रॉबर्टी वन के बराबर है। अब ये सेंटर वाले की तो हमें गिवन है 95%, 0.95 लिख दिया, और बाकी दोनों हमें नहीं पता, वो ऐसे टेस्ट लिख दिया, 0.95 को इधर भेज के माइनस करवाएं वन से तो 0.05 ये आ गई। अब ये क्या शो कर रहा है, दिस वन प्लस दिस वन बराबर किसके, 0.05 के, मतलब क्या है कि ये वाला सेंटर वाला तो ख़त्म हो गया ना, ये वाला और ये वाला, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों एरियाज मिल के कितने एरिया बनते हैं, 0.05, यानी कि 5% भी इसको कह सकते हैं, 5%। तो यकीनन ये दोनों हैं अभी तो आपस में बराबर ना, दोनों आपस में बराबर हैं मिल के, ये 95% सेंटर में था, ये और ये मिल के 5% बन, टोटल 100% होता है ना, ये दोनों मिल के 5%, तो यकीनन दोनों के हिस्से में आधा आधा आएगा, बराबर है ना दोनों, तो 5% का आधा फिर कितना हुआ, 0.025। मैं आपके सामने दिखाती हूँ, अब हम यहाँ पे बायसिमेट्री लिख देना है, बायसिमेट्री, बायसिमेट्री क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ये और ये दोनों पहले प्लस थे, अभी मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दिया है, ये किसके बराबर हुआ, 0.05 को दो हिस्सों में तकसीम अगर कर दें तो जो आधा हिस्सा आएगा उसके बराबर हुआ, और ये किसके बराबर होगा, ये भी ऐसे ही 0.05 को टू में डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको पता है 5% टोटल था, तो दोनों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके आधा इसको दे दिया आधा इसको दे दिया। आप इसको सेपरेट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, इसको सेपरेट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, बाकी आगे कोई इशू नहीं है, पीछे ही बस इसका इसका टेक्निकल इशू था, इसको डिवाइड किया ये आ गया, एक्स को जेड बनाया, माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा किया, 30 और 5 लिखा, इसको फाइव ऑफ दिस वन हो गया, फाइव इनवर्स किया, फिर इसका टेबल, इसको टेबल नंबर 10 में देखना है, 0.02 को 5 में जाके देखें ये वैल्यू आ गई, इसको 5 इधर डिवाइडेड भेज के मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसके बाद जो आंसर आ जाएगा उसमें माइनस 30 भेज के प्लस करवाएं, तो ये हमारे पास ए का आंसर आ गया 20.2। सेम पैटर्न पे इसको थोड़ा चेक करें, एक्स को जेड बनाया, माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा करके, ग्रेटर है ग्रेटर है ग्रेटर की वजह से क्या, फाइव ऑफ माइनस दिस वन यूज़ होगा, फाइव ऑफ माइनस, और ये माइनस पे अंदर भेज के इसको माइनस माइनस को प्लस कर देगा, दिस वन फाइव इधर इन्वर्स हुआ, इसको टेबल नंबर 10 में देखा, ये आंसर आया, फाइव को इससे मल्टीप्लाई करवाया और इधर प्लस 30 इधर भेज के माइनस 30 करवाया, तो ये माइनस बी और ये आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, तो बी का आंसर क्या आ गया, 39.8। जी आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। सिक्स का बी पार्ट देखें ज़रा क्या लिखा है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ नर्स टू इंजेक्ट अ शॉट ऑफ पेंसिलिन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ म्यू, म्यू हमें 30 गिवन है एंड अ स्टैंड डेविएशन हमें 6 गिवन है, ठीक है, और फाइंड करना है 10th परसेंटाइल और 90th परसेंटाइल। याद रखें जब भी परसेंटाइल का क्वेश्चन आएगा ना तो आपने लेस ही लगाना है, यानी कि स्टेटमेंट जब बनाने हैं तो आपने लेस का साइन ही लगाना है, ये बेशक रट्टा लगा लें, मैं आपको समझा भी देती हूँ लेस का साइन क्यों लगाना है। जी म्यू गिवन है 30 सेकंड्स, सिग्मा गिवन है 10 सेकंड्स, फाइंड करना है 10th परसेंटाइल, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी। याद रखें परसेंटाइल पूछा गया ना तो परसेंटाइल हमेशा पॉइंट को कहते हैं, तो ये बात क्लियर करें, परसेंटाइल किसको कहते हैं, पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, यकीनन ये जगह पॉइंट की है, आपको पता है ये अननोन है, ये फाइंड करना है, इसको ए लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन, लेस क्यों लगाया, परसेंटाइल में मैंने आपको बताया लगाना ही लेस है, प्रॉबर्टी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल्स टू 10%। थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, बाकी इसको आप देख लें कि ये आपको पता है एरिया का हिस्सा है और 10% एरिया तो यकीनन फिर इतना होगा, इसे पीछे पीछे की का जिक्र हो रहा है, तो फिर ये पॉइंट हमारा, ये हमसे पॉइंट पूछा जा रहा है, प्रॉबर्टी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल्स टू 10%, क्योंकि उसे पिछला हिस्सा 10% है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 10% को 100% को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दें, 0.10, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और म्यू की जगह 30 लिखें, सिग्मा की जगह पर 10 लिखें, इसको फाइव ऑफ ए वाला फार्मूला लगाया, फाइव इधर भेज के इन्वर्स करवाया, इसको टेबल से देखा, फिर ये 10 डिवाइड है इधर भेज के मल्टीप्लाई करवाएं और फिर माइनस 30 इधर भेज के प्लस करवाएं, तो ये आंसर आ जाएगा ए का 17.2 जो कि 10th परसेंटाइल है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है फाइंड 90th परसेंटाइल, इसकी भी डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ, डायग्राम अगर ऐसे हो तो
ये पॉइंट पूछा जा रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, और इससे पिछला एरिया 90% है, ठीक है। वो कह रहे हैं इससे परसेंटाइल, मैंने आपको बताया कि पिछला ही लेस का ही साइन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 90% और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 0.90, इसको एक्स को जेड बनाएं माइनस में और सिग्मा करके, डू योर सेल्फ, आपने क्वेश्चन खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, यू कैन डू। सी पार्ट पे आ जाएं, सी पार्ट में आपके सामने एक बार पढ़ दूँ फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। स्कोर्स ऑन आर नेशनल एजुकेशन अचीवमेंट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू इक्वल्स टू 500, सिग्मा इक्वल्स टू 100। अब इसमें क्या पूछा गया, 95th परसेंटाइल, देखिए इसमें भी परसेंटाइल पूछा गया, तो परसेंटाइल तो मैंने अभी आपको सिखाया कैसे करना है, लेस का ही साइन उसके स्टेटमेंट में लगेगा। अब देखें, गिवन दैट स्कोर्स एक्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि एक्स आप जरूर मैंशन किया करें, स्कोर्स एक्स हैं, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये म्यू है और ये सिग्मा स्क्वायर की जगह है, म्यू 500 आ गया, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई क्योंकि यहाँ पे 100 स्क्वायर वैसे ही लिखा है, सिग्मा की वैल्यू 100 आ गई। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, 95th परसेंटाइल, जी फाइंड 95th परसेंटाइल आर द डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टेटमेंट कैसे बनानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 95th परसेंटाइल। अब आपने ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा करना है क्योंकि जेड बनाना है, 0.95 म्यू की जगह 500, सिग्मा की जगह 100, इस पे फाई ऑफ ए का फार्मूला लगेगा, फाई इनवर्स इधर आ जाके हो जाएगा, इसको टेबल नंबर 10 में देखेंगे, 0.95 को 0 में देखेंगे, तो ये वैल्यू है, इसको इससे डिवाइड जो है उससे मल्टीप्लाई करवा दें और माइनस 500 इधर भेज के प्लस में, पहले मल्टीप्लाई करवाएं फिर प्लस करें, तो ये ए का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, यानी कि Q1 और Q3, ये बार आपने प्रॉपर्टीज़ वाली अगर डेफिनेट वीडियो देखी है, पीछे प्रॉपर्टीज़ की हैं, तो उसमें Q1 Q3 का ये फार्मूला दिया गया है। Q1 का फार्मूला है जी म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा और Q3 का फार्मूला है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। अब पुट द वैल्यूज ऑफ म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट करें इसमें इसमें, तो Q1 का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब Q3 का फार्मूला क्या है, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, पहले मल्टीप्लाई करें फिर इसमें प्लस करें, तो ये Q3 का आंसर आ जाएगा। लास्ट इसका पार्ट है सिक्स के सी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। If the university decides to accommodate the 40% of the students with the highest score, वो कह रहे हैं 40% students को highest score दे दिए गए, what is the score? Score पूछा गया है, score पूछा गया है, it means हमें, और score ही x था ना इस question में, मैंने शुरू में लिखा था x is equal to score, तो score ही x है, यानी कि हमसे वो point पूछा जा रहा है, x पूछा जाने का मतलब है point पूछा जा रहा है, that separates us, और ये 40% मतलब ये परसेंटेज की वन है, सेपरेट्स द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विद अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो पॉइंट बताएं जो 40% को तो हमने सक्सेस कर दिया है ना, इनको हाईएस्ट स्कोर दे दिए स्टूडेंट्स को, तो वो पॉइंट बताएं जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल स्टूडेंट से सेपरेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, अब ग्रेटर का साइन क्यों आया, क्यों, क्योंकि 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हाईएस्ट स्कोर दे दिए गए हैं, तो फिर हाईएस्ट है ना, ग्रेटर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, यानी कि उस पॉइंट से ऊपर वाले जो हैं इज इक्वल टू 40%, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 0.40, 100 पे डिवाइड करेंगे 0.40, एक्स को जेड बनाएं माइनस में ओवर सिग्मा करके, अब ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर के लिए आपको पता है इधर माइनस आ जाएगा माइनस, और अंदर भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस म्यू की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू पुट की, इसको टेबल नंबर किससे देखा 10 से, ये वैल्यू आ गई, इसको 100 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई करवाएं और फिर 500 इधर प्लस इधर बेच के माइनस करवाएं, ये इस माइनस और माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास ए का आ गया आंसर 525.33। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, और आगे से जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए आपने बड़े, और उनको समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन सारे यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं आएंगे ना तो आप अगले नहीं कर पाएंगे, तो ये इसलिए नोट्स कंप्लीट करें अपने, ताकि हम इंशाल्लाह टुमारो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।